सरकारी नौकरी की तैयारी करने से लेकर सरकारी जमाई बनन तक इब ताम रहोगे मेरा गल्ला। क्यों? क्योंकि अपना हरियाणा के बालकन है मैथ में मेनली समस्या किताब है, आप इन्हें समस्या आवे थ्योरम वाला पोर्शन में। और मैं पिछले 8 साल तक मुखर्जी नगर में पढ़ा हूँ और यह बात हमेशा देखी है कि अपना हरियाणा के बालक वैसे तो मैथ ने उधेड़ कर रखते हैं लेकिन फंसे हैं कहाँ पे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा में। तो मैं तारखातर स्पेशल 17 जुलाई तक सांझ ने 7 बजे 1 घंटे का सेशन चल लगा, टोटली हरियाणवी भाषा में मैथ पढ़ांगे और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन करांगे जो SSC ने पिछले कई सारे आयोग ने पूछ रखे हैं। जे तुम मुखर्जी नगर में रहो तो मेरे तक पर्सनली भी मिल सको ऑफिस में आकर, हमारा नंबर यो साइड में दे रखा है। और जे तुम रहो कितने बाहर तो गूगल मीट के थ्रू भी मेरे तक मिल सको हो इसे नंबर पर कॉल करके। तो जुड़ना ना भूलना 17 जुलाई सांझ 7 बजे गैलेक्सी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राम राम। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर आज इस क्लास में हम सीखेंगे उपनामों के बारे में। कई सारे ऐसी मॉन्यूमेंट हैं जिनके कुछ उपनाम के नाम से जाना जाता है, कई सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं या कई सारे ऐसे शहर भी हैं जिनको कि हम कुछ उपनामों से जानते हैं, जैसे पिंक सिटी किसको कहा जाता है, लेदर सिटी किसको कहा जाता है, नेहरू का शहर किसको कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल लगातार पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो इनसे रहता ही रहता है। कई बार आपको मैच दे कॉलम में कई सारी पर्सनालिटीज़ के नाम दे दिए जाएंगे और उनके निकनाम दे दिए जाएंगे, जिसके आधार पर मैच दे कॉलम ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है। कई बार आपको ट्रू एंड फॉल्स की स्थिति में पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। एक आपका क्वेश्चन रह सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। कई बार रहता है निम्नलिखित में से जोड़ों को मिलान करिए जो उनके उपनाम से मैच करते हैं। तो ऐसे सवाल आपको हर साल के एग्जामिनेशन में पूछे ही जा रहे हैं, तो आइए चर्चा करते हैं आज इसी पर। सबसे पहले देख लेते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है जो कि राजस्थान राज्य का एक शहर है। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो ये जो राज्य है ये एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि दैट इज़ अ लार्जेस्ट एरिया वाला राज्य राजस्थान है, जिसमें कि बड़े ही खूबसूरती के साथ, करीने के साथ शहरों को, भवनों को सजाया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े रजवाड़े थे, बड़े बड़े राजाओं के महल थे जिनको आज भी राजस्थान के द्वारा संरक्षित करके रखा गया है। प्रत्येक वर्ष वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं और इन नक्काशियों को, भवनों को, उनकी सुसज्जित तरीके से रखने के तरीकों को बहुत ही अच्छे आनंदमय तरीके से देखा करते हैं। यदि आप जोधपुर में जाएंगे, उदयपुर में जाएंगे, आप यदि कोटा शहर में जाएंगे, आप यदि यहाँ पर जयपुर में जाएंगे तो वो तमाम तरीके की चीज़ों को आज भी आप देख पाएंगे। और कई बार तो आप जब भवनों के निर्माण में जो प्रयुक्त हुई शैलियां हैं यदि हम उनको देखते हैं तो आज भी वास्तविक स्तर पर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उनको बनाने वाले कारीगरों के हाथों में क्या ही जादू था। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका अगला आ जाता है जिसके अंदर हम देखेंगे वन मिनट यहाँ पर आ जाता है ब्लू सिटी। ब्लू सिटी किसको बोला जाता है, ब्लू सिटी या फिर यहीं पर सन सिटी के नाम से भी है, ठीक है। नीला शहर, नीला शहर या फिर सूर्य के नाम से भी जाना जाता है सन सिटी जोधपुर। यदि आप कभी जोधपुर जाएं तो ऐसे पुराने पुराने किले हैं, फोर्ट हैं जिनको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नीला नीला आपको ये दिख रहा है। और जब आप वास्तविक स्तर पर जाओगे जोधपुर के अंदर तो कई सारे ऐसे फोर्ट हैं या जो पूरा जो बसावट है जोधपुर की उसको देख कर वास्तविक स्तर पर यह लगेगा कि यह नीले रंग का दिखाई दे रहा है। यदि हम नीले ग्रह की बात करें तो हम पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, बट जब हम ब्लू सिटी की बात करते हैं तो
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो जोधपुर शहर है उसको नीले शहर के नाम से जान रहे हैं। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और राजस्थान राज्य में ही स्थित है, जिसे हम सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना करते हैं। यहीं पर एक और शहर है अहमदाबाद, जो कि गुजरात का शहर है, जिसको हम मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैनचेस्टर विश्व स्तर पर कहाँ का शहर है। और यदि हम बात करें इसी अहमदाबाद को, हम यहाँ पर बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम विश्व यदि हम यहाँ की पहली विरासत शहर की बात करें या हेरिटेज सिटी की बात करें, तो यहाँ इसे हेरिटेज सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। और ये इंडिया की यानी कि भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप्ड है। क्या है? अहमदाबाद। कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य के अंदर है। आप देख सकते हैं खूबसूरती को, अहमदाबाद की इस खूबसूरती के चर्चे विश्व स्तर पर किए जाते हैं, जिसको हमने कहा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया, और यहीं पर भारत की सबसे पहली हेरिटेज सिटी या विरासत शहर के तौर पर भी स्थापित की गई यह अहमदाबाद शहर है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर हम सूरत को मानते हैं। कौन सा शहर है? तो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत शहर है सूरत, ठीक है। तो ये भी आपका वहीं पर हो जाएगा, गुजरात के अंदर ही, जिसको कि हम डायमंड सिटी यानी कि एक तरीके से हीरे का शहर इसको माना जाता है। द सिटी ऑफ नवाब, अपनी तहजीब के लिए जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित, इसको हम नवाबों के शहर के तौर पर जानते हैं। और साथ ही साथ अपनी तहजीब के लिए और विशेष तौर पर आप देखेंगे, यदि जाएंगे कभी तो वहाँ पर पार्क बने हुए हैं, वहीं पर इमामबाड़ा भी स्थापित है। और ये सारी चीज़ें हमारी इस हेरिटेज को, विरासत को एक और समृद्धता की तरफ लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर नवाबों के शहर के तौर पर लखनऊ आपकी सिटी आ जाती है। बहुत ही प्राचीन तौर पर और बहुत ही भव्य शैली में निर्माण किए गए ये इमारतें, ये भव्य इमारतें यहाँ पर यह बताती हैं कि इनकी कितनी समृद्धता है। यदि हम लीची की बात करें, लीची आप सभी को बहुत पसंद होगा और लीची अभी इस मौसम में एक बहुत ही प्रिय फल के रूप में मौजूद है। तो सिटी ऑफ लीची या फिर स्वीटनेस के लिए जाने जाने वाला मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार राज्य में स्थित है, मुजफ्फरपुर की लीची पूरे भारत में ही नहीं अपितु बाहर विदेशों तक में बहुत फेमस है। और जो अपनी मीठेपन के लिए और जो अपनी मतलब बहुत ही खास लीचियाँ वहाँ पर मिलती हैं और उत्पादन में भी काफ़ी बड़ा स्थान है, प्रोडक्शन भी होता है। तो मुजफ्फरपुर को लैंड ऑफ लीची बोला जाता है और स्वीट सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। लीची आप सबको वास्तव में बहुत आकर्षित करता है, जिनको पसंद है उनको तो बहुत ही ज़्यादा, करता तो सभी को है। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर यदि हम बात करें कानपुर की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसमें लेदर यानी कि चमड़े का बहुत बड़े लेवल पर काम होता है। और यहाँ पर तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे उद्योग हैं जो कि चमड़े की वस्तुओं को बनाते हैं। और न केवल भारत के अंदर अपितु पूरे विश्व में यानी कि वर्ल्ड वाइड ये चमड़ा, ये लेदर, चाहे आप देख सकते हैं बैग्स के माध्यम से, शूज़ के माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से, और न जाने इतनी कितनी सारी सामान होते हैं जिनको हम हर दिन प्रयोग करते हैं। तो इस लेदर की जो चमक है, इस लेदर की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसकी सराहना हमेशा हर तरफ होती रहती है। तो कानपुर सिटी को हम यहाँ पर लेदर सिटी के नाम पर जानते हैं। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई शहर को तो आप सभी जानते होंगे। यदि हम बात करें बॉलीवुड नगरी की, तो इसको बॉलीवुड नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी बॉलीवुड फिल्म बनती है वो सब यहीं से, यहीं पर उनका गढ़ है। साथ ही साथ भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं उनके हेडक्वार्टर यहीं पर मौजूद हैं। फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर जाने जाने वाला मुंबई शहर सेवन आइलैंड्स का भी सिटी कहलाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं पर है। यदि आप बात करेंगे इंडिया गेट की, तो वो दिल्ली के अंदर मौजूद है, बट जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, दैट इज सिचुएटेड इन मुंबई सिटी, बहुत ही खूबसूरत है। यदि आप देखेंगे तो जो बीच का एरिया है यानी कि जो समुद्र तट है, जो हजारों लोगों को हर दिन अपनी तरफ आकर्षित करता है और अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं डेक्कन क्वीन। तो यही महाराष्ट्र राज्य के अंदर पुणे, पुणे एक शहर है जो कि बहुत पुराने समय से भी बहुत प्रसिद्ध है और कई सारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वहाँ पर उस समय भी इस्टेब्लिश थी और आज भी यदि देखा जाए तो पुणे एक बड़े शहर के तौर पर उभर रहा है और उभर कर चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो इन सब में एक बड़ा नाम है पुणे का। और यदि हम डेक्कन क्वीन यानी दक्षिण की क्वीन, दक्षिण की रानी के तौर पर देखते हैं तो यहाँ पर आप पुणे को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इस तरीके के दर्रे हैं या पासेस हैं ये इनकी जो खूबसूरती है ना आप देखेंगे तो इनकी इस खूबसूरती का एक यहाँ पर ये है कि ये हमेशा बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है और ख़ास तौर पर जब बारिश का समय होता है तो काफ़ी सैलानी यहाँ पर जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करने। यही महाराष्ट्र में ही एक शहर है नागपुर। नागपुर शहर छत्तीसगढ़ राज्य से भी जुड़ा हुआ है यदि देखा जाए और ये नागपुर सिटी अपने संतरे यानी ऑरेंजेस के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑरेंजेस की खेती की जाती है और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया ऑरेंज की मिठाई भी यहाँ पर मिलती है क्योंकि ऑरेंजेस यानी संतरों का एक भरपूर उत्पादन यहाँ पर होता है। यहीं पर महाराष्ट्र में ही एक सिटी है जिसे नाशिक के तौर पर जाना जाता है और नाशिक अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ सुला वाइन, ये क्योंकि अंगूरों की खेती वहाँ पर बहुत होती है तो सुला वाइन वहाँ की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज सिटी के तौर पर नागपुर को, नागपुर शहर को देखा जा रहा है। यहीं पर महाराष्ट्र राज्य में ही जलगांव एक जिला है जिसको कि बनाना यानी केलों के उत्पादन में बहुत ही प्रसिद्धि के साथ जाना जाता है और यहाँ के जो बनाना यानी केला होते हैं उनकी स्ट्रक्चर भी अलग ही होती है और उनका जो मिठास है, उनका जो अपना एक यूनिकनेस है, वास्तविक स्तर पर वह काफ़ी लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है। तो बनाना सिटी के तौर पर जलगांव को देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये फ्रूट की बनावट है, जब आप बिहार की तरफ जाएंगे वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे केले देखने को मिलेंगे, है ना। जब आप पटना से दूसरी तरफ जाते हैं, यदि आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग तरीके के बनाना मिलते हैं। तो ये एक अलग यूनिक फॉर्मेट के बनाना है ना। यदि आप कॉटन सिटी के तौर पर देखते हैं यानी कि जो कपास है, कपास की नगरी के रूप में यवतमाल को जाना जाता है। यहीं पर बहुत ही बड़ी मात्रा में कपास की खेती होती है और साथ ही साथ जो भारत में क्वालिटेटिव कपास है वो यहीं यवतमाल से मिलता है। यदि हम अंग्रेज़ों के शासन की बात करें, उस औपनिवेशिक शासन में भी ये कपास थी, जूट था, टोबैको था जिन्होंने, या मसाले थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी तरफ बहुत ही बड़ी मात्रा में आकर्षित किया था। और ये वो समय था जब कपास के वस्त्रों यानी इनके क्लोथ्स को पहन करके, एक जो आज भी हम जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो ये बहुत हमें कंफर्ट दिलाती है, साथ ही साथ इस कॉटन के कई सारे और भी उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंगलोर को स्पेस सिटी के रूप में, साथ ही साथ साइंस सिटी यानी विज्ञान शहर के तौर पर, साथ ही साथ यहाँ पर इसे गार्डन सिटी के तौर पर और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसके कौन सा शहर है, तो बेंगलुरु विल बी द आंसर, ठीक है। यहीं पर गार्डन सिटी भी जाना जाता है, बट जो मोस्ट पॉपुलर है, जो मोस्ट फेमस है अबाउट द बेंगलोर सिटी, दैट इज़ वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाता है यहाँ पर सिलिकॉन सिटी, राइट। और इसी के साथ साथ में स्पेस और साइंस सिटी के नाम पर भी इसको जाना जाता है, गार्डन सिटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये है आपका बेंगलोर। बेंगलोर एक बहुत बड़ा हब बन गया है। यदि हम आईटी की बात करें, आईटी सेक्टर में बेंगलोर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ देश के हजारों लाखों युवाओं को आकर्षित करता हुआ यह शहर अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। यहाँ पर इनोवेशन का हब है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का हब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट सिटी ऑफ प्लेसेस, यहाँ पर सिटी ऑफ प्लेसेस या सिटी ऑफ जॉय के रूप में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर को जाना जाता है। ये हमारे प्राचीन यदि समय से हम बात करें तो हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहा है और ये पश्चिम बंगाल वो जगह है जहाँ से भारत को बड़े बड़े
अनुभवी बड़े बड़े रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, विद्वान मिले हैं। यहाँ पर आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देख सकते हैं, विवेकानंद जी को देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को देख सकते हैं। और उसी समय से शैक्षणिक संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या फिर आप यह भी देख सकते हैं रिसर्च सेंटर्स में, और भी तमाम हर धड़े पर अपना परचम लहराते हुए पश्चिम बंगाल विद्वानों के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। तो खुशी की नगरी, सिटी ऑफ जॉय या सिटी ऑफ पैलेसेस के तौर पर कोलकाता सिटी को जाना जा रहा है। अब हम कुछ नामों की चर्चा कर लेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, कुछ पर्सनैलिटी के नाम, कि इनमें से किसको दीन बंधु के नाम से किनको जाना जाता है, देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन के नाम से किनको जाना जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इस स्लाइड के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर है आपका जो पहला नाम आ जाता है, वो आ जाता है पहला नाम जिसके अंदर अब्दुल गफ्फार खान है। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि ये पहले विदेशी थे जिनको कि भारत का सर्वोच्च अवार्ड नोबेल अवार्ड से नवाजा गया था। यहाँ पर इन्हीं को बादशाह खान के नाम से या फिर फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नाम है अब्दुल गफ्फार खान, याद रहेगा। दूसरा आ जाता है मोहनदास करमचंद गांधी, जो गांधी जी हैं हमारे देश में आज़ादी में एक बड़ा इन्होंने भी प्लेस निभाया है, बापू के नाम से जाना जाता है इनको। इन्हीं को फादर ऑफ नेशन यानी कि भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी इनको जाना जाता है, यहीं पर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। सेंट ऑफ साबरमती यानी कि साबरमती के संत के नाम से, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है, महात्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके कई उपनाम हैं, देख लेंगे, बापू है, फादर ऑफ नेशन है, महात्मा है, यहीं पर जो है इनका साबरमती के संत है और बापू भी है, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल यानी कि ये हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर के तौर पर रहे थे, प्रथम गृह मंत्री के तौर पर रहे थे, और ये गृह मंत्री जिन्होंने पूरे देश को एक छत्र के नीचे लाने में अपनी पूरी जान लगा दी, और 575 प्लस रियासतों को मिला करके एक भारत की नींव जिसने रखी है, ये वो नाम है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जी का बड़ा ही ध्यान वो रहा था, है ना, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें भारत के बिस्मार्क का नाम दिया गया है। आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोह पुरुष, और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया यानी कि इन्हें इनकी मजबूती के लिए जाना जाता है। इन्होंने जब ये रियासतों को एकीकृत करने का काम किया तो इन्होंने एक नीति पर काम किया जिसको कि कैरेट एंड स्टिक नीति कहा जाता है, यानी कोई अपने आप आ रहा है भारत में जुड़ने के लिए चले आ रहा है तो उसको ये कैरेट देते थे, गाजर खिलाते थे, और यदि कोई नहीं आ रहा है तो उसको ये छड़ी के सहारे लेकर के आते थे। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी किनकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वल्लभ भाई पंत ने उसी को यहाँ पर लगाया था। बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लॉयन ऑफ मराठा कहते हैं, और साथ ही साथ लोकमान्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। लोकमान्य कौन हुए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक उग्र नेता भी रहे हैं, लाल बाल पाल ये वही है, ठीक है। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन में आप इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, साथ ही साथ भारत के अंदर जो फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी थे वो भी हमारे विनोबा भावे थे। भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे जो कि फिलीपींस गवर्नमेंट का एक अवॉर्ड है ना, तो वो सबसे पहले किनको प्राप्त हुआ भारतीयों में, यदि हम बात करें तो यही आचार्य विनोबा भावे हैं जिनको किस उपाधि से जाना जाता है, आचार्य के नाम से, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। भूदान आंदोलन याद रखनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि वयोवृद्ध ये वही हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया था कि भारतीयों का धन कहाँ चला जा रहा है, इंग्लैंड चला जा रहा है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भारत का वेल्थ क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने इस चीज़ पर भी बल दिया, इन्होंने नेशनल इनकम के लिए भी ट्राई किया कि राष्ट्रीय आय होनी चाहिए, प्लानिंग कमीशन आदि के बारे में भी ये चीज़ों को सोचते थे। वाल्मीकि के नाम से आदि कवि जी को जाना जाता
आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे यहाँ पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में स्थापित थे। इनको देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देश रत्न के नाम से, इंदिरा गांधी, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। यदि हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो भंडार नाइके जी हैं श्रीलंका की, पर भारत के अंदर प्रथम महिला जो कि प्रधानमंत्री बनी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से, और साथ ही साथ प्रियदर्शिनी के तौर पर भी जानी गई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इनको आयरन लेडी के तौर पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर अगला, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को जेपी या लोक नायक के तौर पर जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, इनको किसके तौर पर? तो लोक नायक। यहाँ पर याद रखेंगे, अभी हमने लोकमान्य भी पढ़ा था, ये लोक नायक हैं, ठीक है। सी आर दास, चित्रंजन दास, चित्रंजन दास को देश बंधु, अभी हम दीन बंधु भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना है सारी चीज़ें। लोकनायक भी पढ़ेंगे, लोकमान्य भी पढ़ेंगे। लोकमान्य तिलक जी हैं, लोकनायक जेपी नारायण जी हैं, ठीक है। यहाँ पर देश बंधु के नाम से इस चित्रंजन दास को जाना जाता है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के तौर पर, बिपिन चंद्र एंड सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर, दोनों को ही है ना, अलग अलग, बिपिन चंद्रपाल और सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली कौन से, ठीक है, तो दोनों को बंगाल टाइगर के तौर पर उपनेम लिखा गया। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह बिहार विभूति, क्या बिहार विभूति के नाम से किनको जाना जाता है? अनुराग नारायण सिंह को। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो नाम आएगा वो आ गया है चाणक्य का, जिनको अपने ज्ञान के तौर पर जाना जाता था। तो चाणक्य को इंडियन मैकाइवली, मैकाइवली के नाम पर या मैकाइवली ऑफ इंडिया के तौर पर देखा जा रहा है चाणक्य को, ठीक है। चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल अवार्ड मिला था। क्या मिला था? नोबेल अवार्ड मिला था, फर्स्ट इंडियन थे। गीतांजलि के लिए मिला था, साहित्य की श्रेणी में मिला था। इनको विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, विश्व कवि के नाम से। साथ ही साथ इनको गुरुदेव की उपाधि भी मिली है, और उसी के साथ इन्हें कवि गुरु की उपाधि से भी नवाजा गया है। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के नाम से, या आप लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी कई जगह पर देखते होंगे, ठीक है। सी राजगोपालचारी, राजा जी या सी आर, राजा जी के नाम से इनको जाना जाता है, राजा जी। यहीं पर आपके मैंने बोला था लाल बाल पाल है, लाल बाल पाल के अंदर लाल हो गए लाला लाजपत राय, बाल हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गए बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों चीज़ें देख ली। लाल बाल पाल ये एक्सट्रीमिस्ट दल के नेता थे, यानी कि इनका मानना था कि अंग्रेज़ों के सामने आप याचना मत करो, वो हमारे देश में आए हैं, मारो उनको, भगाओ यहाँ से, ठीक है। ये क्रांति में विश्वास करते थे, इनका मानना ये था कि आप याचना की दृष्टि से, जैसे गांधी जी की नीति थोड़ी और थी, इनकी अलग थी, है ना। सी एफ एंड्रयूज, जिनको कि दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने कहा था देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता है, जल्दी बताइए फटाफट से। दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज, दुंदीराज गोविंद फालके, ये कौन है जिनके नाम पर सबसे पहले सिनेमा, इनको सिनेमा के पिता के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिलता है, जो कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, या सर्वश्रेष्ठ अपनी जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा के क्षेत्र में वो करता है। इनको बोला जाता है ग्रैंड फादर ऑफ ना इंडियन फिल्म, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है, भारतीय सिनेमा के फादर के नाम पर इनको जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। एम एस गोवलेकर गुरुजी के नाम से, मदन मोहन मालवी महामना, महामना के नाम से,
लाल बहादुर शास्त्री शांति के लिए जाने जाते हैं, शांति के व्यक्ति। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसा, यानी कि भारत के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ है, भारत में जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ कि हम पहले से जगे हुए थे, हम तो ऑलरेडी वो हैं जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बताया, जिन्होंने वेदों का ज्ञान दुनिया को दिया, जिन्होंने योग को दिया, जिनके यहाँ पर ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी कि उस समय के चाइना हो, चाहे यहाँ पर दुनिया जहान के कोई भी देश हो, वो सब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आते थे, ज्ञान लेते थे। हमारे यहाँ की महिलाएँ गार्गी, अपाला, घोषा, हमारे यहाँ पर चाणक्य, चंद्रगुप्त, हमारे यहाँ पर यदि आप बात करें तो अशोका, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, हम तो उस धरती के लोग हैं। तो हम जगे हुए थे, हम सो गए और अभी हमें वापस से जगना है। तो भारत के अंदर पुनर्जागरण कौन लेकर के आए, तो यदि बात करी जाए तो यही है राजा राम मोहन राय वगैरह, जिन्होंने सोशल इविल्स पर, उन सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया, सती प्रथा का अंत किया, बाल विवाह और जो अन्य समस्याएं थी उन सभी पर प्रहार करते हुए समाज को वापस से उसी की तरफ बढ़ाया। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और पेट्रियोट ऑफ पेट्रियोट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है कर्पूरी ठाकुर जन नायक के तौर पर और चौधरी देवीलाल जिनको कि ताऊ के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के, ठीक है। सैयद बंधु को किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि ये दो बंधु थे, दो भाई थे जो कि किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, यानी कि उस समय पर यदि बात करी जाए राजा कौन बनेगा, दे विल डिसाइड दैट, ठीक है, राजा बनाते थे। यहीं पर आपके केवी पुतप्पा आ जाते हैं जिनको कि कुवे में पू के नाम से, सरनेम से जाना जाता है। यहीं पर मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा एक्चुअली अल्बेनिया की थी, यहाँ पर भारत आ गई और भारत से अति प्रेम हो गया उनको, तो भारतीय नागरिकता ले लेती हैं। शांति के लिए जानी जाती हैं, दूसरों पर दया करने के लिए जानी जाती हैं। भारत रत्न अवार्ड मिला, नोबेल पुरस्कार मिला और न जाने ऐसे कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इस सेंट ऑफ गटर्स या फिर मदर को, ठीक है। इनको माँ कहा जाता था और ये संत थी, एक बहुत बड़ी संत थी, विशाल हृदय के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करती थी। जो बच्चे, भूखे, गरीब, बुजुर्ग, अस्वस्थ, है ना, बीमार, उन सबको देख करके इनके मन में इतनी ममता आती थी, सबकी सेवा करती थी, सबको सर्व करती थी। तो ऐसी माँ को हम मदर टेरेसा या फिर सेंट के नाम पर जानते हैं और साथ ही साथ इनको माँ की भी संज्ञा दी जाती है। ये कुछ उपनाम हैं, कुछ शहरों के उपनाम हमने देखे और कुछ पर्सनैलिटीज़, व्यक्तित्व के उपनामों को हमने देखा। ये क्लास डेली 7 बजे होती है शाम को और सुबह भी हमारी जीके जीएस की क्लास चल रही है और कल सुबह हम एक करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे सुबह 7 बजे। आप सभी प्लीज़ बी लाइव रहेंगे तो उसमें चीज़ों को देखने का, समझने का थोड़ा सा अंदाज़ अलग तरीके से बदल जाता है। आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी लाइव आएंगे, कल मेरी है, परसों राहुल सर की है, ठीक है। तो क्लासेस में लाइव रहा करें ताकि आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरी को पूछ सकें। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।